চলো বলি বিদায় যে বিদায় বিদায় নো যে কার্যক্রম হয়ে প্রমাণিত করিয়েছে যে અત્યાર સુધીમાં પીએસકેમાંથી 6,334 છોકરો ભણીને ગઈ, 6,334 લડકિયા યાસે પડ કે ગઈ હૈ, 4,440 છોકરા, 4,440 લડકી, કુલ મિલા કે 10,774 લડકી લડકિયા યાસે પાસ હોતી ગઈ, 10,780 લડકી લડકિયા યાસે પડ કર ગઈ હૈ और अपने अपने कार्य क्षेत्र में अच्छे से काम करते हैं। तो डीएसके का काम और जो ये उपलब्धि है उसके लिए जोरदार तालियां। सभी अपने गले में केस लगा के खड़े हो जाएंगे और प्रतिज्ञा ले लेंगे। प्रतिज्ञा लेते हैं कि हम दलित शक्ति को, दलित शक्ति का मतलब है समानता का आचरण, समानता का व्यवहार, सभी लोग समान हैं ये मान्यता, इसमें से जो ताकत पैदा होती है इसका नाम है दलित शक्ति। ये दलित शक्ति हम पूरे भारत में फैलाएंगे, गांव में भी पिछले रूप में जाकर बोलेंगे आप लेना चाहते हो। ये अगली बार आपको ये बुलाया मैं उनकी हम दलित शक्ति केंद्र के, हम दलित शक्ति केंद्र के विद्यार्थियों और विद्यार्थिनियों गौरव के साथ, खूब गौरव के साथ क्या पदवी स्वीकारते हैं। हमने दलित शक्ति केंद्र में से जो मूल्यों की शिक्षा ली है उसका जिंदगी भर पालन करेंगे और उसका प्रसार करेंगे। हम यह प्रतिज्ञा लेते हैं कि हम दलित शक्ति को
सीखा। फिर ऐसा नहीं कि टेलरिंग ब्लाउज है तो मैंने उसके विषय पर ही सीखा है, मैंने उससे ज़्यादा भी कई सारे ज्ञान लिया है, यहाँ पर नई नई जानकारी मिली मुझे, तो मुझे बहुत अच्छा लगा DSK में। और मैं अपने गांव जाकर भी मैं जैसे लड़कियाँ जो जिसको नहीं आता वो सबको मैं यहाँ भेजूंगी, फिर वो भी ज्ञान लेकर वो भी दूसरे को सिखाएंगी, ऐसा मैं चाहती हूँ, तो मैं जाकर करूँगी। थैंक यू। गुड इवनिंग, मैं यहाँ टेलरिंग ब्लाउज सीखने आई हूँ और मेरा आज 2 महीने पूर्ण हुआ और मैं यहाँ ब्लाउज सीख लिया है मैंने, और मैं और कुछ ज्ञान और लिया है जो मुझे स्कूल में नहीं देते थे वो ज्ञान मुझे यहाँ मिला है, और कानून के बारे में जानकारी मिली है, और भैया और दीदी है जो भी है वो मुझे जो भी प्रश्न में कहते हैं उसका जवाब मिलता है। सबको जय भीम। मैं गुजरात से आई हूँ टेलरिंग ब्लाउज सीखने के लिए और मेरा 2 महीना खत्म हो गया है, और यहाँ से इतनी सारी जानकारियाँ मिली कि मेरे को पता भी नहीं था कि ये सावित्री बाई फुले और ज्योतिबा फुले के बारे में भी मेरे को पता नहीं था, और 26 दिसंबर के बारे में भी मेरे को नहीं पता था, लेकिन यहाँ आकर मेरे को सब कुछ पता चला, और जो बात हमको नहीं पता था वो भी हमको मार्टिन भैया ने बताई और इंदु दीदी ने भी बताई, और हम जहाँ पढ़ते थे वहाँ टीचर जो लड़के और लड़की को नहीं आता था तो उसको बारे में ध्यान नहीं देते थे, लेकिन यहाँ सब कुछ अच्छे से हमको सिखाया, और मैंने भैया का पार क्यों छुआ कि हमारे गाँव में पहले से ही ऐसा चल रहा है इसीलिए, लेकिन मेरे को यहाँ आकर सब कुछ अच्छी ज्ञान प्राप्त मिली है, और मैं गांव में जाकर भी ऐसा सबको बताऊँ और लड़कियों को भी यहाँ भेजूंगी। गुजराती टेलर ब्लाउज सीखना मटे ब्लाउज सीख गई हूँ। जय भीम। मैं बिहार से आई हूँ, मेरा नाम ज्योति कुमारी, और यहाँ पर ट्रेनिंग सीखने आई थी ब्लाउज, 7 ब्लाउज सीखने, 8 ब्लाउज मेरे नहीं सीख पाया, ध्यान में घुस गया मेरा डिजाइन 7 तो डिजाइन का, फिर बोलने के सीखे, फिर सब कैसे बोलने के सीखे, दलितों के बारे में सब दीदी लोग भाई लोग समझाएं कैसे बोलते हैं कैसे सीखते हैं। जय भीम। मेरा नाम प्रीति कुमारी है और मैं बिहार से आई हूँ, यहाँ पे मैं बिजनेसियन का कोर्स सीखने के लिए आई थी यहाँ पे, तो अभी तो मेरा कोर्स पूरा हो चुका है, और जब मैं आई थी तो मुझे कुछ भी नहीं आता था कि मेहंदी कैसे लगाते हैं या फिर बाल वाल का कुछ भी फेसियल वगैरह मुझे सब सीखना था, इसलिए मैं यहाँ पे आई थी कि हाँ मैं सीखूंगी, तो वैसे तो मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन थे कि मैं क्या क्या सीख सकती हूँ, लेकिन मुझे अच्छा लगा कि मैं ब्यूटीशियन सीखूंगी, तो इसलिए मैं ब्यूटीशियन सीखी यहाँ पे। मुझे जो कुछ भी नहीं आता था अब मैं ऐसे ही हूँ कि मतलब मैं दुल्हन को भी सजा सकती हूँ, इतना मुझे ऐसा लगता है कि हाँ मैं ऐसे दुल्हन को भी सजा सकती हूँ। जब मैं पहले यहाँ पे आई थी उस फर्स्ट दिन को देखते हुए अभी लास्ट दिन को देखती हूँ तो मैं सोचती हूँ कि मैं पहले जब आई यहाँ पे तो कैसी थी, और जब मैं जा रही हूँ तो मुझे सारी जानकारी भी है यहाँ पर, और जो भी मैं सीखा है कि वो पूरा सीख चुकी हूँ, और उसके अलावा यहाँ पे बहुत सारे कानून के बारे में बताया गया है जिसके बारे में मुझे कुछ पता भी नहीं था। कभी कोई फंक्शन भी नहीं किया था मैंने गांव पे अपना, कि जैसे सावित्रीबाई फुले के जन्मदिन पर हमने उनके सामने दिया जलाया, तो ऐसा कुछ प्रोग्राम मैंने गांव पे नहीं किया था, जो मैं यहाँ पे आई तो किया मैंने, मुझे बहुत अच्छा लगा। लोग यहाँ आए और सभी लोगों ने अपनी बात बोला, ये पहली बार हुआ कि जितने भी लोग विदाई लेते हैं सभी स्टेज पर आए, ये पहला मेरा अनुभव था, आप सभी को बहुत धन्यवाद। आज मैं इंटरव्यू ले रहा था, मध्य प्रदेश से 3 लोग आए और बिहार से
दो लोग आए, बाकी आए हैं बंगाल और झारखंड, लेकिन अभी इंटरव्यू बाकी। ये पांच लोगों को मैं पूछ रहा था कि आपको सबसे बड़ा डर किस बात का लगता है। तीन लोगों ने बोला पब्लिक में बोलने का, जहर में खड़ा होकर बोलने का डर, और दो लोगों ने बोला अंधेरे का डर। तो जो भी लोगों ने बोला था कि खड़ा होके बोलने का डर लगता है, आप ये लोगों को देख सकते हो। ये भी जब आए तो बोल रहे थे कि हम बोल नहीं पाएंगे, आज एक दूसरे को बोलना पड़ता है कि ठीक है, हाँ बराबर, डर नहीं है बिल्कुल, खड़े हो जाते हैं। हाँ, तो यही आपकी सफलता है कि आप जो डर लेके आए थे यहाँ छोड़ के जा रहे हैं, बराबर, और थोड़ा वजन बढ़ा के जा रहे हैं। तो आपको बहुत शुभेच्छा, राइट, और प्रगति करो और हमें भूलना मत, बराबर, ओके। ओके, यहाँ पे कार्यक्रम समाप्त होता है। सभी को थैंक यू, आपने कार्यक्रम में जो सहयोग किया, और आज बहुत सारी हमने सुविधाएं भी करी और उसमें सबने हिस्सा लिया, अच्छी तैयारी करी, इसलिए आप सभी को अपने सम्मान में जोरदार ताली बजाओ।